नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेने रीवा पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल को किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नेता सुब्रतमण त्रिपाठी ने एक ज्ञापन सौंपा। श्री त्रिपाठी ने चुराहटा से लतहरा गड्ढों में तब्दील सड़क रिंग रोड फेज 2 में अपने चहेतों को लाभ दिलाने के साथ साथ किसानों की समस्याओं और खरीदी केंद्रों में हो रही समस्याओं को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया है। सुब्रतमण त्रिपाठी ने बताया कि खरीदी केंद्रों में किसानों का शोषण हो रहा है, वहीं खाद्य देने में समितियों के द्वारा किसानों से ऋण पुस्तिकाएं मांगी जा रही हैं। जिन किसानों ने ऋण लिया है उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसान नेता ने बताया कि कई बार एक ज्ञापन दिए गए लेकिन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल ने कोविड 19 की तीसरी लहर की तैयारी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं पत्रकारों के द्वारा जिले की अव्यवस्थाओं, हो रहे भ्रष्टाचार और शिकायतों के बाद भी कार्यवाही न होने के साथ साथ अन्य मुद्दों को पूछना चाहा तो पहले से ही सुनियोजित ढंग से अपराधियों की फौज खड़ी कर दी गई थी, जिनके द्वारा पत्रकारों को रोक दिया गया। रीवा विधायक राजन शुक्ला ने भी पत्रकारों की आईडी हटाई और प्रभारी मंत्री को लेकर आगे निकल गए। हालांकि प्रभारी मंत्री ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं किसान नेता सुब्रतमण त्रिपाठी और प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल ने क्या कहा। प्रभारी मंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी, क्या आश्वासन मिला है? आज हमने अपने माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध किया कि रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं, हर समितियों में किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। अपने यहाँ का केंद्रीय सहकारी बैंक का तुगलकी आदेश, जिन किसानों की जमीन कहीं मार्गेज है उन्हें खाद नहीं दी जाएगी, ना तो ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देते, ना लिखित आदेश दिखलाते। हमारे यहाँ 148 सोसाइटियाँ हैं और एक जानकारी के अनुसार 2 लाख से ऊपर किसान सदस्य हैं और 2 करोड़ से ऊपर उनके शेयर जमा है। तो हम कहते हैं एक तरफ केंद्रीय सहकारी मंत्रालय बन रहा है केंद्र में देश के लिए और एक तरफ ये सहकारिता आंदोलन खत्म किया जा रहा है। तो हमने प्रभारी मंत्री जी से मांग की है कि जो भी आदेश हो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि प्रदेश में तीसरी लहर नहीं आना चाहिए और तीसरी लहर के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले में भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि जाके देखो कि ज़िले में क्या क्या चीज़ की कमी है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट के आदरणीय सदस्य माननीय विधायकगण सबको बुला के बैठक की गई है और जो यहाँ पे व्यवस्था है इससे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रीवा ज़िला में तीसरी लहर नहीं आएगी, इतना मैं आपको आश्वस्त। मंत्री जी, किसानों की समस्या से खरीदी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, खाद बिजली की समस्या को लेकर ज़्यादा खरीदी हो रही है, इसके लिए कुछ निर्देश? नहीं, हमारे यहाँ तो नियम तय है कि आपके यहाँ जितना जनप्रतिनिधियों ने खरीदी केंद्र की मांग किया था सब जगह खरीदी केंद्र बना, ज़्यादा धान खरीदी जा रही है, तौलाई में ज़्यादा तौलाई ली जा रही है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जो नियम है वही लागू किया जाएगा। अगर कहीं ज़्यादा या कम खरीदा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। किसानों की पुस्तिका की मांग की जा रही है, क्या लेके आए किसान जो खाद? पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऐसे जब, क्या करेंगे? देखिए, धान खरीदी के पहले जमीन की रकवा वगैरह रजिस्टर किया जाता है, पट्टा की नकल वहाँ पर दिया जाता है, उसी समय रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर दोबारा मांगने की क्या जरूरत है। चलिए, धन्यवाद जी। जी जी, क्या चीज़ का? चलिए सर, यहाँ मास्टर प्लान कुछ ऐसा नहीं है। अभी एक मास्टर प्लान आया था यहाँ रीवा में, क्या 104 बस्तियाँ जो है मलिन है, गंदी बस्तियाँ हैं रीवा में। यहाँ 15-20 साल आइए, प्रणाम सरकार है, प्रणाम। उसके बाद भी गंदी क्यों बस्तियाँ हैं? चलिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।